सोच रहे हो ना कि शादी में क्या पहने, क्योंकि इनविटेशन तो बहुत आ रहे होंगे। देखो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आ चुकी हूँ इतने सारे। ओके, आप सबका वेट होता है खत्म। इतने सारे अनार कभी मेरे हाथ में नहीं आ रहे हैं एज यूजुअल। ये तो हैं सिर्फ 9 से 10। मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए अनारकली। लेके मतलब अभी साइड में इतनी रखी, इतने मेरे हाथ में है 15 अनारकली फ्रॉम मीशो, सारे के सारे वेडिंग वेयर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सब बताना कि आप सबको थोड़ा अलग सा बैकड्रॉप और अलग से मेरी एंट्री आज की कैसी लगी। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आई हूँ मैं। पूरे 15 अनारकली और सारे के सारे इतने मस्त मस्त है ना, अभी तक आपने इन सब का रिव्यू कहीं पे भी देखा नहीं होगा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप कि आप सब भी उतने ज़्यादा एक्साइटेड होगे। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, इस वाली वीडियो को इतना प्यार देना, इतना प्यार देना, इतना प्यार देना ना, मतलब एकदम वायरल कर देना इस वाली वीडियो को। ढेर सारा अपना प्यार देना, क्योंकि मैंने अपना ढेर सारा टाइम लगा के आप सबके लिए ये सारी चीज़ें सर्च की हैं, सारी चीज़ें और लेके आई हूँ आप आज आप सबके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल देती हूँ, ये वाला जो मैंने आर्टिकल पहना हुआ, ये वाला आउटफिट भी मीशो का ही है, लेकिन इस वाले की डिटेल आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाली इयररिंग्स यार इतनी प्रिटी है ना, ये भी मीशो की ही है। इसका लिंक अभी मत मांगना क्योंकि ये वाला वीडियो देख लो, उसके बाद मैं बहुत सारा ज्वेलरीज का कलेक्शन लेके आने वाली हूँ आप सबके लिए। आप सबकी रिक्वेस्ट थी और मुझे भी लगा कि यार वेडिंग सीजन चल रहा है, ज्वेलरीज का कलेक्शन तो बनता है। इसके बाद आने वाली है वो वाली वीडियो। चलो फटाक्स ये वाली की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको अनारकली दिखाने वाली हूँ, इतने सारे कौन से समझ में आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको। पहला जो हमारा आज का आउटफिट है वो है ये वाला। सबसे पहले तो इसको आप पिक्चर में देख लो, जैसा पिक्चर में दिख रहा है एकदम वैसा रिसीव हुआ है। अभी मैंने ट्राई नहीं किया, अभी तो आप सबके सामने ही इसका रिव्यू करूँगी। देखो ऐसा इसका मुझे फ्लेयर लग रहा है। मुझे इसका जो आपको फैब्रिक मिलता है ना, टफेटा सिल्क फैब्रिक में ये वाला मिल जाता है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया था। ये वाला पूरा इसमें पैंट नहीं मिलती क्योंकि अनारकली गाउन है, और मतलब है तो अनारकली ही, बट पैंट नहीं होती क्योंकि अनारकली गाउन में सिर्फ दुपट्टा होता है। इसके नेक पे ऐसी डिटेलिंग मिल जाती है आपको, जो फुल स्लीव्स मिल जाती हैं, आई मीन दिस साइज मीडियम। बैक पे बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा ये प्यारा सा क्यूट सा होल टाइप का ऐसा डिटेल दिया गया है। मुझे पूरा कलियों वाला अनारकली है ये वाला। यहाँ से ऐसे आपको पूरा ये बॉर्डर मिल जाता है। मुझे तो ये वाला का अभी देखने के मतलब जैसा मुझे पिक्चर में लग रहा था मुझे तो वैसे ही रिसीव हुआ है। ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे क्वालिटी वगैरह भी वैसे ही मिली है। बाकी इसको पहन के देखते हैं। इसके नीचे पे भी ये जो पूरा कलर, इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो भी जितने भी होंगे, आई थिंक एक दो और थे बट मुझे ये वाला कलर नहीं इसमें नहीं था कलर, ये वाला ही था। इतना सुंदर लग रहा है ये देखने के बाद, मतलब इसको बहुत ही अच्छा आपकी वेडिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट आउटफिट है। अब मैं इसको नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। इसमें आपको ऐसा दुपट्टा मिल जाता है, पूरे दुपट्टे में आपको ये पूरा प्रिंट मिलता है, बट ये दूर से देखने में ऐसा लगता है कि पूरा थ्रेड की डिजाइनिंग है, बट ये थ्रेड की डिजाइनिंग नहीं है, पूरा का पूरा प्रिंट है। आप ऐसे क्लोजअप करके मैं आपको दिखा देती हूँ। साइड से भी वही आपको बॉर्डर मिल जाता है जिसमें वर्क है थ्रेड का, वो बहुत ही अच्छी लंबाई चौड़ाई का दुपट्टा मिल जाता है, मतलब एक मस्त सा फुल लेंथ का। मुझे ये वाला पीस अभी तो बहुत पसंद आया। चलो जल्दी से स्टाइल करके दिखाती हूँ। लग रहा है ना किसी पार्टी में जाने वाली हूँ। मुझे भी बहुत प्रिटी लग रही है ड्रेस, और इसका फ्लेयर, इसका फिट, इसका ये बॉर्डर एकदम परफेक्ट लेंथ की ड्रेस है, एकदम परफेक्ट बॉर्डर है, कोई भी कमी नहीं है इस वाले ड्रेस में। फैब्रिक वगैरह सब ऑन पॉइंट, इसका दुपट्टा इसकी रौनक और ज़्यादा बढ़ा रहा है क्योंकि यहाँ से पूरा प्लेन है, अब पूरा प्रिंटेड दुपट्टा है, तो ये पूरा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, बहुत अच्छा मिक्स एंड मैच लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तो मैं पार्टी में जाने वाली हूँ। बस ईयरिंग वगैरह भी मैंने स्टाइल कर ही लिया, वॉच रह गई है वो पहन लूँ और एक हील पहन लूँ इस मोजरी के बदले में, बाकी आई एम सॉर्टेड। बहुत अच्छी ड्रेस है, आप सबको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। देखो इसकी फिट वगैरह भी सब कुछ सही आई है, स्लीव्स इसकी फुल है, चूड़ी वाली नहीं है तो एकदम यहाँ से है तो बिल्कुल ठीक है। ये पूरा शेप इसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसकी ड्रेस में कोई भी कमी नहीं लग रही है, मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगी। और फ्लेयर वगैरह भी बहुत अच्छा खासा है, जैसा एकदम पिक्चर में दिखाया गया था ना सेम वही ड्रेस आपको मिल गई है ये वाली। जल्दी से जाके ग्रैब कर लेना इससे पहले कि हाथ से निकल जाए। सेकंड वाला है वो ये वाला आउटफिट है, ये वाला आपने आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा, आपने शॉर्ट्स में देखा होगा, मतलब कहाँ नहीं आपने देखा होगा, इतना वायरल रह चुका है ये मीशो का। और ये वाला रेड इन कलर में रिसीव हुआ है, मतलब इसमें शायद हाँ एक ही इसमें कलर ऑप्शन था रेड कलर, तो मुझे तो वैसे भी रेड कलर मतलब फेस्टिवल में तो अच्छे लगते, तो मैंने ये वाले के लिए मैं गई। और इसके अंदर आपको लाइनिंग भी मिल जाती है, और जो ब्लू वाला था उसकी तो मैं पहन बात आप बताती हूँ आपको। पीछे पे इसका नेक ऐसा मिल जाता है यू में, ऐसा गोटा पट्टी इसमें लगी हुई, पूरा ही आपको बांधनी प्रिंट मिल जाता है। फ्लेयर वगैरह तो ऐसा देखने में मुझे सही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक फ्लेयर मिल जाएगा। इसकी प्राइस भी ज़्यादा वर्क नहीं मिलता, बट इसकी इनसाइड की जो लाइनिंग है ना वो मुझे काफ़ी चीप फैब्रिक की लग रही है। लाइक यू कैन सी ये जो ब्लाउजेस में फैब्रिक आता है ना जिसके रेशे निकल जाते हैं, उस तरीके का इसका फैब्रिक है पूरा इसका इनसाइड का, तो वैसा मुझे लग रहा है। बाकी इसमें स्ट्रिंग्स वगैरह है टाई अप करने के लिए।
या एग्जैक्ट, और इसमें पैंट इतनी चीप क्वालिटी की दी गई है ना, मतलब मैं तो आपको यही बोलूँगी अगर आप ये वाला लेना चाहते हो, अगर आपको पसंद आएगी, पसंद आता है मैं बाकी पहन के बताती हूँ, तो इस पैंट को तो बिल्कुल भी रिजेक्ट कर देना। ये बिल्कुल ही सोच के इस अनारकली के साथ ये वाला पैंट दिया है, बहुत वैसे इतनी ज़रूरत नहीं, किसी भी रेड कलर के पैंट के साथ स्टाइल कर सकते हो। इसके साथ में हमें ये वाला दुपट्टा मिलता है, मुझे दुपट्टा इसका सबसे ज़्यादा प्यारा लगा है, सबसे ज़्यादा इसकी ये गोल्डन कलर का जो मतलब ये पूरा लेस लगी हुई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है इसको देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले के टाइम पे ऐसे सूट बहुत चला करते थे, बट स्टिल ये वाला ऐसे मतलब वानी प्रिंट लहरिया प्रिंट, ये तो वैसे भी सारे के सारे एवरग्रीन होते हैं, हर सीज़न में चलो तो कितना चौड़ा इसका दुपट्टा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे दुपट्टा सही लग रहा है, बाकी मुझे ये वाला ठीक लग रहा है सूट, इसका फ्लेयर वगैरह मुझे सब कुछ पसंद आया, मुझे थोड़ी इन साइड से लाइनिंग जल्दी पहन के बताती हूँ आपको। गाइस सी कलर बहुत प्रिटी है दिखने में, ऐसे पहनने में लग भी बहुत प्रिटी रहा है, इसका दुपट्टा स्पेशली बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट वो एक चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बोली, मुझे इसकी इनसाइड लाइनिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसकी क्वालिटी बाकी पहनने के बाद मुझे सही लग रही है, लेंथ वगैरह भी ठीक है, क्योंकि मतलब अगर इसको पैंट के साथ में पहना जाएगा, ऑप्शन है पैंट के साथ में पहनने का, पैंट के साथ में पहना जाएगा तो इतनी लेंथ भी ठीक है, थोड़ा सा इनसाइड अगर ये लोग लाइनिंग अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड करते तो क्या ही इनका चला जाएगा, पर पहनने की वजह से इसका लुक मुझे अच्छा लग रहा है, स्पेशली क्योंकि इसकी चुनरी इतनी प्रिटी है, चुनरी की वजह से मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है, और अगर आप इसके इनसाइड में जो लाइनिंग है वो चीज़ अगर आपको परेशान नहीं करेगी तो आप ले लेना, बाकी तो मैंने आपका जेन्युइन अपना रिव्यू आपके साथ बता ही दिया है, बैक से ऐसा इसका लुक है, ये देखो फिटिंग वगैरह सब कुछ ठीक आई है, कहीं से भी टाइट ढीला जैसा नहीं है, और इसका जो ये वाला पैटर्न है ना, ये शेप की मैं बात कर रही हूँ, ये इसका ये वाला पैटर्न ही है कि इधर से थोड़ा सा छोटा और ये फ्रंट से थोड़ा सा बड़ा, बाकी मुझे सही लग रही है पहनने के बाद, इसका लुक सही लग रहा है, इनसाइड जो इसकी लाइनिंग है ना वो चुभ नहीं रही है, बट वही कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहोगे ना तो वो लाइनिंग में भी चल नहीं पाए, वैसे तो अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस वाले में। ये है हमारा थर्ड वाला आउटफिट, ऐसे देखने में तो लग रहा है कि जैसा ट्रू टू द इमेज ही रिसीव हुआ है, सबसे पहले तो इसमें क्योंकि इसमें आपको पैंट मिलती है ये वाला अनारकली गाउन है, अगेन ये देखो ऐसा पूरा ऑर्गेंजा फैब्रिक में ये वाला आपको दुपट्टा मिल जाता है, इसका प्रिंट वगैरह काफी सुंदर लग रहा है, व्हाइट कलर का ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे स्पेशली, बहुत ऐसा लेवेंडर कलर ये वाला दुपट्टा तो बहुत पसंद है, गोटा पट्टी साइड साइड में मिल जाती है, ये इसका अनारकली ओके, आपको इसमें पैडिंग वगैरह प्रॉपर दी गई है, ये आपको स्लीवलेस मिलती है बट आपको बहुत ही एक्स्ट्रा फैब्रिक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर प्रोवाइड किया गया है, स्लीव वगैरह अटैच कर जाते हैं, मतलब 20-30 रुपीज़ में स्लीव्स लग जाती है ईजिली स्लीव, और पता है इसका जो ये स्ट्रैप्स ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, जैसे ज़्यादा नूडल स्ट्रैप्स होते हैं बहुत ही पतले से स्ट्रैप्स होते हैं तो थोड़ा सा बल्जो दिखते हैं साइड साइड से तो अच्छा नहीं लगता, बट इसके काफ़ी ज़्यादा से चौड़े से थिक से हैं तो आई डोंट थिंक अगर किसी को भी स्लीवलेस पहनने में प्रॉब्लम होने वाली है, इस वाले में मुझे तो सही लग रहा है, फैब्रिक अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है और इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जितने भी अनारकल ने सारे अंडर 1500 रुपीज़ और 1600-1700 रुपीज़ का एक हाथ होगा, बाकी सारे के सारे अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छी वैरायटी मिल रही है आपको, इस बहुत अच्छी है, इसकी पूरी क्वालिटी कलर फैब्रिक मुझे सब एग्जैक्ट जैसा इमेज लग रहा था, बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी से पहन के दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट द गाउन, इतनी प्रिटी है ना, मतलब इसका फ्लेयर देखो, अभी मैं ना जब ऐसे राउंड करूँगी ना जब मैं घूमूंगी समझ में आएगा, इतनी प्रिटी यार, कभी कभी तो मीशो सच में सरप्राइज दे देता है, इतनी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं कि एक्सपेक्टेड नहीं होती, जैसी मैंने अनबॉक्स करके आपको डिटेल दी थी, जैसी मैंने इसको पिक्चर में देखी है एग्जैक्टली मुझे वैसी ही रिसीव हुई है, मुझे ना तो इसके क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है ना मुझे इसके फ्लेयर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है, बैक से देखो इसका लुक ऐसा लग रहा है, ड्रेस हर एंगल से मुझे ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशली इसका कलर देखो आप कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आई है, दुपट्टे के साथ में इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, कलर ऑप्शन अगर आपको दिखेंगे तो आप कलर ऑप्शन अदर के लिए भी जा सकते हो, मुझे मतलब मेरी ये वाली ईयरिंग है ना ये मतलब मेरे सारे आउटफिट्स के साथ में मैच कर रही है, मैं जल्दी इसका रिव्यू करने वाली हूँ तो ये वाली भी आप ज़रूर लेना, बहुत अच्छा ड्रेस है, बहुत ही अच्छा, किसी भी तरीके से पहन सकते हो, बहुत हल्का भी है, मतलब पता है बहुत ईजिली मैं कूद रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ, टहल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आई है, आई लव दिस वन, लाइट येलो कलर का एकदम ऐसा लाइट कलर का कितना अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है ये वाला कलर, इस टाइम पे मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद आ रहा है, मतलब इस वाले कलर की मैंने काफ़ी सारे आउटफिट्स आप सबके साथ शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी, ये देखो इसका अनारकली पहनते हो पिक्चर में देखो, और जैसा पिक्चर में दिख रहा था एग्जैक्ट वैसा रिसीव हुआ है, ये देखो ऐसा सा इसका कुछ फ्लेयर है, कलर आपको थोड़ा सा कैमरे में नहीं समझ में आ रहा होगा उतना, कैमरे में बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रहा है बट एक्चुअल में थोड़ा सा ये लाइट येलो है, मतलब इसका आप पूरा वर्क देखो यार, इसमें फॉयल्स मिरर है बट इसलिए दूर से देखने लगता है कि पूरा रियल मिरर है, फैब्रिक इसका भी आपको जॉर्जेट मिल जाता है, इनसाइड लाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है इस वाले में भी, नेक की डिटेल देखो कितनी खूबसूरत है, स्लीव्स आपको मिल जाती है कुछ यहाँ 3/4 थोड़ी सी ज़्यादा आई थिंक, फ्लेयर वगैरह इतना ज़्यादा मिल जाता है, और ये थोड़ा सा नीचे जो उसका फ्रिल है ना ये वाला थोड़ा मतलब अच्छा पैटर्न लग रहा है मुझे ये वाली अनारकली गाउन, बहुत ही पसंद आई, एकदम पार्टी वेयर अप्रोप्रिएट है, दुपट्टे की क्वालिटी भी सेम आपको बहुत अच्छी है,
और अच्छी खासी लेंथ एंड विड्थ का ये वाला भी दुपट्टा मिल जाता है। चलो जल्दी से उस वाले को भी पहन के बाद मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। गाइज़ कुछ ऐसा इसका लुक लग रहा है, मुझे तो पहले ही ये बहुत पसंद आ गया था और पहनने के बाद में भी इसका लुक मुझे सही ही लग रहा है। स्पेशली इसका ये वाला जो नेक का डिटेलिंग है ना, ये देखो पूरा से क्रॉस में मतलब ऐसे क्रॉस में इसके जो डिज़ाइन है ना ये वाली, ये बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रही है। काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे ये वाला ड्रेस। आप इसका फ्लेयर भी देख सकते हो, बहुत सही फ्लेयर मिल जाता है आपको। मैं बैक से भी दिखा देती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला। मतलब पता है प्राइस को जस्टिफाई करता है ये डेफिनेटली, अगर आप कंसीडर करना चाहते हो। थोड़ा सा कलर आपको ऐसा मेरा कैमरे में दिख रहा होगा लाइट कलर, बट ये उतना लाइट है नहीं, थोड़ा सा ये डार्क जितना आपको दिख रहा है उससे थोड़ा सा डार्कर है। ऐसा सा है देखो पूरा पहनने के बाद। मुझे फिटिंग वगैरह भी सही हुई है क्योंकि मैंने अपने साइज़ पर लिया था, एकदम सही है। फ्लेयर भी इसका बहुत ही ज़्यादा है, मज़े आ रहे पहन के सीरियसली। मुझे एक ये वाला ड्रेस और मैं लास्ट में आपको अपने फेवरेट्स बता देती हूँ, अभी बताती हूँ। मेरे को ये वाला और भी दो तीन ड्रेसेस है बहुत पसंद आए हैं, वो वाले इनमें से मतलब ये जैसा पिक्चर में दिखाया गया वैसी तो कम से कम चीज़ आई ना, और फ्लेयर वगैरह सब कुछ इसका वैसा ही है, तो आई लव दिस वन। नेक्स्ट वाला आर्टिकल है वो ये वाला है, जस्ट अभी मैं इसको पैकेट से मैंने निकाला। इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसमें डली हुई है 1080, मतलब सिर्फ 1080 रुपीज़ का ये वाला पीस है। और मुझे देखने में लग रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा सा है तो मुझे लग रहा है कि इसका मतलब लेंथ बिट वगैरह वगैरह सब कुछ ठीक मिली होगी। पिक्चर में देखो, पिक्चर में देखने में इतना सुंदर, मतलब इतना ड्रीमी लग रहा था ये वाला ड्रेस, मुझसे वेट नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये वाला तो जल्दी आप सबके साथ शेयर करना है, आप सबका दिल खुश हो जाएगा। मुझे तो इसको देख के ही मेरा इतना दिल खुश हो गया था, बहुत सुंदर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था मुझे। वाओ जस्ट लुक एट द फ्लेयर, इतना ज़्यादा है कि मैं आपको कैमरे में भी नहीं दिखा सकती यार। सीरियसली क्या मस्त अनारकली इस बार मैंने लिए है मीशो से। आपको ऑल दो इसमें स्ट्रैप्स वाले मिल जाते हैं, बट ये एडजस्टेबल है तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फैब्रिक आपको इसमें पूरा आर्ट सिल्क फैब्रिक मिल जाता है, रेयन सिल्क ऐसा मिक्स में है। नीचे पे भी आपको इस गोटा पट्टी की डिटेल मिल जाती है, और ऐसे लेयरिंग करके इसका पैटर्न बनाया गया है यार। सॉलिड कलर मैरून कलर, जस्ट वाव है, सो ब्यूटिफुल। इनसाइड आपको लाइनिंग बता देती हूँ पहले मैं, नहीं इनसाइड, हाँ इनसाइड आपको यहाँ के पार्ट तक लाइनिंग मिल जाती है, यहाँ तक, नीचे नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं नीचे। यार 1000 रुपये में इतना सुंदर पीस एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ कि मुझे नहीं है इसका मतलब इतना ज़्यादा फ्लेयर है ना, और दुपट्टे की ये साइड से भी लेजी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत ही एक्साइटेड इसको पहनने के लिए, जल्दी से मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आता है। मुझे कुछ भी, आई डोंट थिंक मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत है, ये अपने आप में इतनी सुंदर ड्रेस है ना, इतना सुंदर इसका पैटर्न, इसको फ्लेयर लग रहा है यू कैन सी। और आपको थोड़ा सा ये डीप नेक लग सकता है, बट वो चीज़ भी आप फिक्स कर सकते हो क्योंकि इसमें एडजस्टेबल स्ट्रैप्स है, तो अपनी अकॉर्डिंग आप इसके स्ट्रैप्स को एडजस्ट कर लो, जैसे कि अभी मैंने किया हुआ है। बाकी बहुत सुंदर ड्रेस है यार, बहुत सुंदर, एकदम इतना मैं दिखा भी नहीं सकती, कैमरा छोटा पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा फ्लेयर है। मुझे बहुत पसंद आई है ये वाली ड्रेस, मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूँगी, कोई भी कमी नहीं इस वाली ड्रेस में, जल्दी से जाके ले लेना, अदरवाइज आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, कोई अच्छी चीज़ आप सबसे मिस हो जाएगी। मैं तो इसको रखने ही वाली हूँ बस, डेफिनेटली फैब्रिक वगैरह सब कुछ ऑन पॉइंट, आई लव दिस वन। ये नेवी ब्लू कलर का अनारकली गाउन, आप इसको पिक्चर में देख लो, आप देखते हैं कैसा रिसीव हुआ है इसका फ्लेयर वगैरह। सबसे पहले ये दुपट्टा है, मैं कुर्ता का दिखाती हूँ आपको फ्लेयर, और इसका भी प्राइस आई गेस ज़्यादा नहीं था, ये अंडर 1000 रुपीज़ था। ओके, मुझे भी इसका फ्लेयर सही लग रहा है, इसमें भी आपको बहुत ही फाइन सा जॉर्जेट का मटेरियल मिल जाता है। नेवी ब्लू कलर का और भी कलर ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो आपको कौन सा कलर पसंद आता है। मुझे इसका फैब्रिक वगैरह भी सही लग रहा है, बहुत ऐसा सॉफ्ट सा है। इन साइड आपको लाइनिंग वगैरह भी मिल जाती है, एम साइज भी लिया है मैंने ये वाला, फुल स्लीव्स मिल जाती है, और एकदम प्लेन सा ऐसा बैक इसका, ऐसा फ्रंट से थोड़ी सी डिजाइनिंग है। बाकी इसमें भी कोई पैंट नहीं मिलता, और ये है इसमें पूरा ये वाला दुपट्टा, इसका भी फैब्रिक सेम है, ज़्यादा बिट नहीं मिलती, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस चलो ट्राई करते हैं फिर बताते हैं। मस्त पूरी नीचे से शेप बन रही है, ना किधर से ऊंचा है ना किधर से नीचा है, और ये पूरा वाला गाउन का जो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट लेते हो मतलब चूड़ी वाले, मैंने इयरिंग थोड़ा सा चेंज कर लिया, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे भारी लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा भारी किया, मैंने बहुत सारे आउटफिट भी दिखा दिए थे तो मैंने ये वाला पहन लिया। ये वाला भी मैं इसका भी आपको ज्वेलरी वाले वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी कि जितने भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट लेते हो, आपने खुद देखा होगा कि जो ये स्लीव्स होती ना काफ़ी ज़्यादा लूज़ मिलती हैं आपको, तो वो आपको फिट करवानी ही पड़ती है। वही चीज़ है इस वाले में भी, चूड़ियाँ बन रही हैं, लाइक इतनी चूड़ियाँ बनेंगी, इतनी
बट आपको उसको फिट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लुक सही लगेगा। बाकी मुझे जैसा मैंने पिक्चर में देखी बार ऑर्डर किया था, मुझे वैसा ही लग रहा है। मुझे इसका फ्लेयर वगैरह भी पसंद आया, इसकी लाइनिंग वगैरह भी, इसका फैब्रिक भी मुझे पसंद आया है। अगर आपको ये नेवी ब्लू कलर नहीं पसंद आता तो आपको अगर कोई और कलर उसमें दिखता तो आप उस कलर को ले लेना। मुझे तो ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर जो ये गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है दुपट्टे के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। गोल्डन के साथ में ये ब्लू कलर का टच भी अच्छा लग रहा है। यू कैन सी नेक लाइन वगैरह ऐसी है। मैं आपको बैक नेक्स्ट वाला है जो हमारा अब अनारकली है वो ये वाला है। इसको आप पिक्चर में देख लो। सबसे पहले तो येलो इन कलर का था, मतलब ये वाला पूरा स्ट्रैप्स पैटर्न में ऐसा मिल रहा था। मुझे इसके नीचे का ज़्यादा पैटर्न पिक्चर में दिख नहीं रहा था, बट मैंने कहा कि मतलब मुझे पता नहीं कि ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था। इस टाइम मैंने आपको पहले बताया बहुत अच्छे लग रहे थे। अनबॉक्सिंग करते हैं ये वाले की। जस्ट ऊपर से ही मैंने देखा था ये वाला, बाकी सब तो ऐसे खोल के रख दिए थे, पर अभी खोल के आप सबके सामने देखा है मैंने। ये देखो दुपट्टे में इसके उलझा हुआ है। ये रहा ये वाला अनारकली। वाओ, इसका फ्लेयर भी सही लग रहा है। इसमें आपको भी अब अगेन मिल जाता है जॉर्ज का मटेरियल, इसमें भी मुझे फ्लेयर वगैरह सही लग रहा है। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था और थोड़ा सा ज़्यादा भी था, क्योंकि इसमें आपको पैडिंग वगैरह भी मिल जाती है, तो थोड़ा सा प्राइस अगर ज़्यादा भी होगा ना जस्टिफाई है। बहुत अच्छी क्वालिटी की पैड्स मिल जाती है, इन साइड आपको लाइनिंग भी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। ये स्ट्रैप्स थोड़े से एडजस्टेबल नहीं है, तो परफेक्ट साइज़ पे लेना। मैंने लिया है एन साइज़ में। और इसके साथ में ये वाला दुपट्टा मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा सा, साइड साइड जैसे बहुत ही क्यूट सी लिटिल सी ये टैसल्स मिल जाती हैं। चलो स्टाइल करके देखते हैं कैसा लगता है। गाइस, इस सूट का लुक तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे इसका फ्लेयर वगैरह भी सही लग रहा था, मतलब जैसे पिक्चर में देखा मैंने मुझे वैसा ही लग रहा था। बट एक मुझे इसमें प्रॉब्लम लगी कि मुझे इसका जो ऊपर का शोल्डर का साइज़ था, साइज़ तो मैंने एम में ही लिया, मुझे लग रहा था बड़ा साइज है, बट नहीं है, मैंने एम में ही लिया था। ऊपर का इसका जो स्ट्रैप्स है वो काफ़ी ज़्यादा लूज थी। अगर आप उसको रेडी हो कि आप उसको फिट करवा के देन इसको पहनोगे तब तो आप इस वाले पीस को ले लो, कोई भी कमी नहीं है। बट अगर आप इसमें कोई फिटिंग विटिंग नहीं करवाना चाहते हो तो फिर आप इसलिए सोच लेना थोड़ा सा। बाकी कमी कुछ भी नहीं है, बस वही शोल्डर पर काफ़ी ज़्यादा लूज था तो बार बार गिर रहा था, आप देख सकते हो। आया है ये पिंक कलर वाला अनारकली, मतलब वाली पैंट मिलती है। और इसका फैब्रिक मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ऐसे कॉटन इसका फैब्रिक मुझे सही लग रहा है, कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में मिल जाता है। आपको इसमें पॉकेट्स भी मिल जाती हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ये मुझे एल साइज़ में पैंट दिख रहा है, मैं आपको इसका साइज़ बता दूंगी कि क्या है। और ये दुपट्टा मिल जाता है, इसका कलर कॉम्बिनेशन स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुंदर लगा था। पिक्चर में देखने में भी इसके पैटर्न वगैरह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा यार बस ट्राई करना है। पिंक कलर में है। और कुर्ता देखते हैं, ज़्यादा फ्लेयर नहीं है क्या? मुझे हल्का हल्का सा लग रहा है ये वाला। ओके, इसका पैटर्न ही ऐसा है कि ये ज़्यादा फ्लेयर वाला है नहीं, क्योंकि ऐसे ये चुन्नटों वाला अनारकली है तो इतना सा इसका फ्लेयर। पर चुन्नट वाले अनारकली जो होते हैं आपने देखा होगा कि उनके ज़्यादा फ्लेयर नहीं होते, क्योंकि जो कलियों वाले अनारकली होते हैं ना उनका ज़्यादा फ्लेयर समझ में आता है, इन वाले का ज़्यादा समझ में नहीं आता। बट इसकी फैब्रिक इन साइड भी आपको जो पैंट में फैब्रिक वही लाइनिंग प्रोवाइड की है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और पूरे में आपको लाइनिंग मिल जाती है। इसका प्रिंट वगैरह मुझे कलर वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये वाला मैं आपको साइज़ बता देती हूँ, मैंने इसको लिया एल साइज़ में, मे बी एम अवेलेबल ना रहा हो इसलिए, तो आप लोग भी जल्दी जाके लेना। चलो जल्दी से ट्राई करके दिखाती हूँ। गाइस सी, मुझे इसका लुक अभी अच्छा लग रहा है, लाइक पहनने के बाद में मुझे इसका लुक सही लग रहा है। लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है। और मुझे ना पता है इसका, सबसे पहली बात मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें ज़्यादा फ्लेयर नहीं है या कुछ भी, बट इसका इतना फ्लेयर, मैंने आपको पहले बताया कि इस वाले में पैटर्न में इतना ही फ्लेयर रहता है, तो मुझे इसका फ्लेयर सही लग रहा है। मुझे इसका साइज़ वगैरह भी परफेक्ट लग रहा है और पहनने के इसका कलर वगैरह भी प्रीटी लग रहा है। कुछ ऐसा इसका बैक से कुछ ऐसा सा इसका लुक लग रहा है। स्लीव्स कुछ ऐसी सी है और दुपट्टे के साथ में ये वाला पूरा सूट, आई लव दिस वन। मुझे बहुत ज़्यादा लाइट वेट लग रहा है, एकदम बिल्कुल हैवी भी नहीं लग रहा है। पहनने के बाद मुझे पसंद आ रहा है, ये थोड़ा सा मैं ऐसे लहरा रही हूँ। आप सब भी इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको भी पसंद आता है। इट्स इतने सारे हैं ना, बहुत टाइम लग जाएगा, जल्दी जल्दी आपको दिखा दी जाती हूँ। नेक्स्ट है हमारा ये येलो वाला, आप इसको पिक्चर में देख लो। ए पी मतलब मुझे ऐसा लगने लगी जैसा पिक्चर में था वैसा है नहीं, बिल्कुल नहीं। पिक्चर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मुझे इसका फ्लेयर वगैरह समझ में आ रहा था कि काफ़ी अच्छा फ्लेयर ही सा ड्रेस है, तो ये वाला वैसा रिसीव नहीं हुआ है। पहनने के बाद देखते हैं ये क्या रहता है। और तो इसमें आपको कोई दुपट्टा नहीं मिलती, कोई भी पैंट नहीं मिलती, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है ये चीज़। पता नहीं यार वो लोग डालना भूल गए कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दिखा रहा था मुझे अनारकली भी दुपट्टा, तो दुपट्टा तो एटलीस्ट देनी चाहिए थी, इसमें कोई दुपट्टा नहीं मिलता है। बट चलो पहन के देखते हैं इसको वेयर करके, फिर मैं आपको इसका बताती हूँ मुझे कैसा लगता है। थोड़ी सी मेरे को ढीली लग रही है ऑब्वियसली, क्योंकि ये बड़े साइज़ में लिया था मैंने। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है बस थोड़ा सा ना, इसमें अगर पैंट दे देते या कुछ भी, या ऐसी ना सिंपल सॉर्टेड सी गाउन है कि आप इसको कहीं पे भी सिर्फ गाउन अगर पहन के जाना चाहते हो तो पहन लो, ऐसे पहन नहीं है उतना ज़्यादा फ्लेयर नहीं, मतलब हाँ एग्जैक्ट ये पिक्चर जैसी नहीं है, तो मैं उतना इस वाले के साथ खुश नहीं हूँ, खुश हो जाती हूँ, बट मुझे पिक्चर जैसी खुश नहीं मिली है चीज़, तो मैं क्या ही इसके बारे में और ज़्यादा बोलूँ। मैं इसके साथ में उतना खुश नहीं हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो आप ले सकते हो। ऐसा सा इसका बैक है, मैं आपको बैक से दिखा देती हूँ।
थोड़ा सा। नेक्स्ट अगेन मैंने लिया है ये पिंक इन कलर में ये वाला ड्रेस, और पिक्चर में देख लो ये वाला देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था अकॉर्डिंग टू पिक्चर। ये मुझे ऐसा सा दुपट्टा मिला है इसमें, इसका जो फैब्रिक आपको मिल जाता है ना वैसे बहुत ही टेरिकॉट फैब्रिक का मिल जाता है, और बहुत ही ऐसे फाइन से सीक्वेंस के साथ में इसका वर्क आपको दिख रहा होगा पूरा प्रिंटेड ऐसे डिजिटल प्रिंट में। दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई तो सही लग रही है। ये है इसका अनारकली ड्रेस, एकदम ऐसे रानी चटक पिंक जो होता है ना वो वाला पिंक है इसमें। स्लीव्स आपको कुछ ऐसी सी मिली हैं, फॉल्स मिरर लगे हुए हैं पूरे में, और ये फ्रंट की डिटेल और ये बैक की डिटेल सेम वही जो मिरर है, यहाँ तक आपकी इसकी लाइनिंग मिल जाती है, नीचे पे नहीं है पर वैसे कोई नीड नहीं है। लाइनिंग की क्वालिटी मुझे सही लग रही है उस वाले से, तो सही लग रही है। चलो जल्दी इस वाले को भी स्टाइल करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पिक्चर अगर मैं बोलूँ, मैं पहन के बोलूँगी जो भी बोलूँगी, तो ठीक है पहनते हैं। गाइस सी, मुझे ये अनबॉक्स करने में उतना पसंद नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मे बी इसका लुक उतना से लगे, बट यू कैन सी मतलब इसका लुक सही लग रहा है। इसका फ्लेयर वगैरह भी क्या सही आया है, इसकी लेंथ भी एकदम प्रॉपर ठीक है, मतलब ना तो ज़्यादा ऐसा फ्लोर टच हो रहा है ना ही ज़्यादा छोटी है, एकदम परफेक्ट लेंथ की है। और ये कलर भी इतना ज़्यादा सा चटक सा पिंक है, तो मुझे वैसे गर्ल्स का तो फेवरेट होता ही है पिंक। मुझे ये वाली ड्रेस अच्छी लग रही है, प्राइस के अकॉर्डिंग आप इसको आँख बंद करके ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यार इसमें पैडिंग वगैरह भी मिल जाती है आपको, और क्या ही चाहिएगा, अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा। फिटिंग वगैरह देखो कितनी सही आ रही है, तो मुझे पसंद आई है ये वाली ड्रेस। पीछे से भी मैं आपको लुक दिखाती हूँ, देखो ऐसा लग रहा है, इसके जो फॉल्स मिरर है ना इसका लुक भी अच्छा लग रहा है, फ्लेयर आपको कुछ इतना मिल जाता है, मतलब अच्छा खासा फ्लेयर मिल जाता है। आई लव दिस वन। अगर आप इस तरीके से किसी स्टॉकिंग्स के साथ में भी इसको स्टाइल करोगे ना तो आपको पैंट की नीड नहीं है। अगर आपको इस स्टॉकिंग्स की लिंक चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगी। ये भी मैंने मीशो से लिया था, और ये मैंने स्पेशली ऐसे गाउन्स के लिए लिया है कि जिसमें पैंट्स नहीं होते, ये स्टॉकिंग्स पहन लो और थोड़ी सी मोटी है तो वार्म भी फील करवाती है। और बाकी तो ये ड्रेस है ही बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी, ले सकते हो आप इस वाले को। नेक्स्ट हमारा जो है ये वाला, आप इसको इमेज में देखो, ये वाला मुझे देखने में ऐसा देखने में मुझे पिक्चर में ही लग रहा था कि इसकी प्राइस भी क्योंकि काफ़ी कम थी तो मुझे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो बस मैंने लेकिन ट्राई कर लिया कि चलो ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते जिनको थोड़ा सा बजट कम होता है तो उनको उस हिसाब से चीज़ चाहिए होती, तो मैंने कहा कि चलो उन लोगों के लिए ये वाला तो सही होगा। हर तरह के लोगों के बजट का ध्यान रखते हुए मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ। देखो सबसे पहले मैं इसको दुपट्टा दिखा देती हूँ आपको, कॉटन फैब्रिक में मिल जाता है, प्रिंटेड है पूरा, इतनी सी बस इसकी ऐसी लेंथ और ब्रेथ है। दुपट्टे को साइड में करते हैं, अब आपको दिखाती हूँ उसका अनारकली। पिक्चर में आपने देखने को पिक्चर में ये मेंशन था कि पैंट नहीं मिलेगी इसमें, ये भी अनारकली गाउन है, ये देखो वाओ ऐसा सा इसका नेक है, ऐसी इसकी डिटेल है अंगरखा पैटर्न में ऐसा फ्रंट में, और ये थ्रेड लगे हुए हैं साइड साइड पर आपको जो दिख रहे हैं। मुझे जैसा पिक्चर में दिखा था ना, मुझे ये सीरियसली उससे ज़्यादा अच्छा रिसीव हुआ है। देखो इसमें फ्लेयर भी क्योंकि आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, इन साइड आपको लाइनिंग यहाँ तक चोली पार्ट तक मिल जाती है। इसका ये आपको दिख रहा है नहीं, ये बहुत ऐसे गोल्डन कलर का और वाइट कलर का पूरा पेंट है इसमें ये किया हुआ, नहीं नहीं निकल रहा है पेंट इसका, मैंने नेल्स अपने खुरीद के देख लिया। यार मुझे जैसे ये पिक्चर में दिखा था उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये वाली की क्वालिटी लग रही है। प्राइस इसका ऑलो थोड़ा सा कम है, बट अगर ये पहनने के बाद अच्छा लगता है तो आप लोग ले लेना। साइड साइड में नीचे में आपको ऐसी वॉल्स मिल जाती है बहुत ही क्यूट सी, और रेयन का मटेरियल आपको मिल जाता है इस वाले में। चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है ये वाला। गाइज सीरियसली ये वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। सबसे पहले मैंने आपको दिखा देती हूँ मैं, देखो इतना फ्लेयर मिलता है इसमें, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इसका फ्लेयर, इसका स्लीव्स का ये पैटर्न जो इसका कटआउट है ये भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, आगे से ऐसा पीछे से ऐसा, और मुझे इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये वाली गाउन पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है अकॉर्डिंग टू प्राइस, क्योंकि एटलीस्ट जैसा दिखाया गया था वैसा ही मिला है इसमें, वैसे ही पिक्चर में ही बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया था, तो मुझे ये वाली पसंद आई। इसका ये वाला फ्रंट का ऐसा पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बैक से दिखा देती हूँ बैक से कैसा लुक लग रहा है, ऐसा लग रहा है बैक से लुक थोड़ा सा वॉक करके, ये देखो। और इसका जो फ्लेयर है वो मुझे काफी क्यूट लग रहा है नीचे, क्योंकि फ्लेयर के साथ में नीचे ये जो पॉम पॉम लगे ना ये बहुत अच्छी एक ड्रेस लग रही है। कलर वगैरह भी मुझे इसका अच्छा लग रहा है, डार्क ग्रीन कलर है जैसा आपको दिख रहा है कैमरे में, एग्जैक्ट वैसा ही कलर है। जैसा आपको दिख रहा है कैमरे में एग्जैक्ट वैसा ही कलर है। मुझे ये वाली पसंद आई है, पता नहीं क्यों बस मुझे अच्छी लग रही है ये वाली। इसका फैब्रिक वगैरह भी सही है, इन साइड लाइनिंग आउटर लाइनिंग सब कुछ इसकी सही है, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। ये व्हाइट इन कलर में ड्रेस, और ये मुझे पिक्चर में देखने में बहुत ज़्यादा, इसमें दुपट्टा मिल जाता है आपको सबसे पहले प्रिंटेड, ये साड़ी जैसा मुझे दुपट्टा लग रहा है, जैसे साड़ी से काट के अलग करके दुपट्टा बनाया गया हो। अभी हम इसका अनारकली देखते हैं, ये देखो। बाकी फ्लेयर वगैरह ठीक लग रहा है मुझे, मे भी पहनने के बाद ये वाला भी अच्छा लग जाए, व्हाइट कलर मिल जाता है और इससे बहुत ये जो आपको पूरी डिटेल से मिल रही है ना एम्ब्रॉयडरी है और सीक्वेंस लगे हुए हैं छोटे छोटे से, कहीं कहीं से मिल जाती है, इसके अंदर आपको स्लीव्स वगैरह नहीं मिलती अटैच करने के लिए। चलो पहन के इसका लुक मैं आपको बताती हूँ, बाकी मुझे डिटेल वगैरह तो ठीक लग रही है, फ्लेयर भी ठीक लग रहा है, पहन के देखते हैं लुक। और पहनने के बाद तो वैसे मुझे सही लग रही है,
मतलब मैंने इसको थोड़ी ज़्यादा ही बुराइयाँ कर दी थी, ऐसे पहनने के बाद मुझे सही लग रही है, फिटिंग वगैरह भी ठीक है, टाइट वाइट नहीं है, थोड़ी सी लूज़ है तो वो भी ठीक ही है। पास से देखो इसका कलर आप देख लो, और से दिखा देती हूँ, मतलब जो जो चीज़ें मैं बताई दूँ आपको, ये देखो इसके थ्रेड्स ना ऐसे खींचे हुए हैं, तो मे बी वो आपको थोड़ा सीजर से कट करना पड़े, बाकी तो ठीक लग रहा है। फैब्रिक पहनने के बाद भी सही लग रही है, देखो इसका दुपट्टा भी सही लग रहा है इसके साथ, मतलब कॉम्बिनेशन इसका सही लग रहा है मुझे, मुझे इसका लुक पसंद आ रहा है अभी पहनने के बाद। मेरा थोड़ा मतलब जो मैंने रिव्यू किया था, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा चेंज हो चुका है अभी मेरे को, ये मेरी ईयरिंग के साथ भी बहुत अच्छी लग रही, तो मुझे पसंद आई है। ऑल दो आपको इसमें स्लीव्स वगैरह नहीं मिलेंगे, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तभी आप ये वाली लेना, लुक वगैरह इसका मुझे सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस। मुझे बहुत प्रीटी लग रही है ड्रेस की, पीछे से ऐसा लुक है और देखो फ्रंट से ऐसा लुक है। गाइस हमारा नेक्स्ट वाला है ये वाला ड्रेस, आप उस वाले को देखो, बहुत ही ऐसा सिंपल सा सटल सा मुझे लग रहा था ये वाला, बट एट द सेम टाइम मैंने कहा कि चलो ये वाला भी ट्राई करते हैं। वो कुछ ऐसे इसको पिक्चर में देखो आप कुछ कैसा सा इसका लुक था। सबसे पहले ये वाले इसमें दुपट्टा मिल जाती है, इसके कलर्स मुझे काफ़ी डिसेंट लग रहे थे, काफ़ी सिंपल सोवर्स लग रहे थे, ऐसा दुपट्टा मिल जाता है प्रिंटेड पूरा, साइड में गोटा पट्टी लेस मिल जाती है, और ये रहा इसका, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा फ्लेयर नहीं मिलेगा क्या, जैसा पिक्चर में दिखाया गया था वैसा, ठीक है कुछ इतना सा मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इसमें लेंथ की प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ इतना मुझे इसकी लेंथ लग रही है, इन साइड आपको लाइनिंग वगैरह मिल जाती है, एम इन दिस साइज एम, और स्लीव्स फुल मिल जाती हैं, प्रिंटेड है पूरा, फैब्रिक इसका जो है टेरिकॉट ब्लेंड मिल जाता है, मुझे लग रहा है फ्लेयर वगैरह ज़्यादा नहीं है। चलो देखते हैं पहन के, वेयर करके दिखाती हूँ आप जो सी कैसी लग रही है आप लोग बताओ मेरे को पहले। मैं अगर बताऊँ मुझे इसकी लेंथ ही पसंद नहीं आई है, मतलब कितनी छोटी, इतनी छोटी आ रही है, ये देखो इतनी छोटी। बाकी इसका जो शेप है ये मतलब पूरे चारों तरफ का वो मुझे ठीक लग रहा है, पर मुझे इसकी लेंथ भी नहीं है। अलग से वाइट कलर के पैंट में हाँ पहनो तो मे भी ठीक लग जाए, पर मुझे ठीक लगा है। इन साइड इसकी लाइनिंग की क्वालिटी भी मुझे ठीक लगी है, फिटिंग भी मुझे ठीक लगी है, बट क्योंकि प्राइस इसका बहुत कम है, सिर्फ 500 रुपीज़ में आपको ये वाली अनारकली गाउन मिल जाती है, तो अगर आपको 500 रुपये में चाहिए कोई सा अनारकली तो आप ये लो ले लो, अगर आपको लेंथ से प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज आप 700-800 रुपये में जो है आप उनके लिए भी जा सकते हो। बाकी मुझे ये ठीक ठाक लगी है, पैंट्स के साथ स्टाइल करोगे तब अच्छी लगेगी। मैं आपको अपना नेक्स्ट वाला आउटफिट दिखाने वाली हूँ, आई एम श्योर आप सब देख के एकदम खुश हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद इसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, और अभी तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा इसका, तो मैं दावा कर सकती हूँ। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरे YouTube में आपने ये वाला आउटफिट नहीं देखा होगा, मैं गारंटी देती हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये है एकदम ब्लैक कलर का, और ये कोई अनारकली गाउन नहीं है, कोई स्ट्रेट कुर्ता सेट नहीं है, ये है एक पटियाला, मतलब मैंने मेरे को ना पटियाला ना तो थोड़ी सी क्योंकि यूनिक लगता है इस टाइम पे अनारकली स्ट्रेट बहुत पहन लिया। अभी मुझे ये वाला पटियाला जब मैंने मीशो में देखा ना मुझे इतना पसंद आया, मैंने को स्पेशली उसका कलर इसमें मतलब इसमें पूरा ना सिल्वर का जरी का वर्क था, उसके साथ में ब्लैक कलर बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था इसलिए मैंने लिया। मतलब ऐसा ओकेजन है आपके यहाँ कोई शादी में भी इवन आप इसको पहन सकते हो, अभी ना आपको दिख नहीं रहा होगा कोई भी पटियाला पहने हुए, सब अनारकली 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 या स्ट्रेट वाला या प्लाजो कुर्ती कुछ भी, तो आप ये वाला ऐसा कुछ इस टाइप का ड्रेस कैरी करोगे पहनोगे एकदम यूनिक से लगोगे, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मुझे पूरा इसमें वर्क मिल जाता है, आप देखो ये है इसके फ्रंट का नेक ऐसे पान के शेप में मिलता है, छोटी सी कुर्ती मिलती है बट बहुत छोटी है कि नहीं ये मैं पहन के बताऊंगी, क्लिप भी बहुत खूबसूरत सी डिटेलिंग है, और इसके साथ में मिलता है ये पूरा नेट फैब्रिक का दुपट्टा जिसकी लेंथ काफ़ी सही है, और साइड में वही आपको डिटेलिंग मिल जाती है, मतलब इसका ऐसा बॉर्डर से जैसे इसके कुर्ते में वर्क है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका पैजामा, इसका पैंट, क्योंकि अगर इसमें अच्छा घेरा वेरा होता तो उसके बाद इस पटियाले का लुक में चार चांद लग जाएंगे। देखो ऐसा पटियाला मिलता है आपको, वैसे मैं प्लान कर रही हूँ मैं पटियाला सूट्स के भी बहुत सारे ऐसी वीडियोस बनाऊँ, मुझे इस टाइम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं सीरियसली, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बनाऊँगी एक सेपरेट लेके आऊँगी। देखो ऐसा ब्लैक कलर का मिल जाता है, इसका जो फैब्रिक वो भी आपको मिल जाता है रेयॉन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें लेंथ मतलब सॉरी लेंथ कह रही है उसमें घेर वगैरह सही रहने वाला है। चलो ये वाले सूट को पहनने के लिए आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि बहुत टाइम के बाद पटियाला पहन रही हूँ, पहन के दिखाती हूँ सी कैसा लग रहा है लुक। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा एक मतलब पटियाले के अकॉर्डिंग लुक दे सकूँ, तो मैंने साथ में ये टीका भी लगा लिया जो इस ईयरिंग के साथ में ही आया हुआ था। लग रही हो क्या अभी बताओ, लग रही हो क्या पंजाबन? मुझे तो मेरा ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है, लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है, और मुझे ये सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं डेफिनेटली इसको कहीं बहुत अच्छे से फंक्शन में स्टाइल करने वाली हूँ। अभी तो आज ही मैं मंदिर गई हुई थी बट मैंने इसको स्टाइल नहीं किया क्योंकि ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर थोड़ा सा मंदिर में अच्छा नहीं लगता,
वैसे तो सारे कलर्स ही खूबसूरत है, मुझे सीरियसली ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है। उसको पटियाले में भी आपको एक बहुत अच्छा सा घेरा मिल जाता है यार, मतलब बहुत अच्छी चीज़ लग रही है मुझे ये। अब अगर आप अलग से फैब्रिक लेके फिर पटियाला सूट सिलवाने जाओगे तो आपको भी पता है वो वाला ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ये मीशो में आपको मिल रहा है, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, बहुत ही कम प्राइस, अंडर 1000 रुपीज़ आपको मिल जाता है। क्वालिटी वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दी, लुक भी इसका काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। मेरा टीका ही बार बार फिसले जा रहा है, मुझे पसंद आया, पंजाबी वाला थोड़ा सा ऐसे टच लेना है तो उसके लिए ये वाला सूट सेट एकदम मस्त रहेगा, जाके जल्दी से ले सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो ही लेना, रिटर्न करने के पर्पज से मत लेना क्योंकि मीशो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, आपकी आईडी वाईडी सब ब्लॉक हो सकती है और अभी और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है मुझे ऐसा पता चला है। तो रिटर्न सोच समझ के क्या करो, मैं आपको बता रही हूँ आपके फायदे की चीज़। गाइस ये वाला तो रह ही गया था, ये वाला ग्रीन कलर में है, पिक्चर में देख लो पहले, इसका कलर भी और इसका पैटर्न बहुत पसंद आया मुझे, कलर इसका एकदम मेहंदी कलर, मेहंदी फंक्शन के लिए आप इसको एकदम कंसीडर कर सकते हो। अभी तक खुला नहीं है, चलो देखते हैं कैसा है ये वाला। अभी पैकेजिंग भी रिसीव हुआ है, इतना फेयर मिल जाना चाहिए बस। इसकी प्राइस मैंने आपको नहीं बताई ना, इसकी प्राइस सिर्फ 8 से 7 रुपये का, देखिए 8 से 7 रुपये के हिसाब से प्राइस मिलता रहता है। हाँ मुझे नहीं लग रहा कि ये उतना ज़्यादा, मतलब एग्जैक्ट जो पिक्चर में दिखाया गया था वो प्रोडक्ट है, ये उसका रेप्लिका है आई थिंक रेप्लिका, बट इतना बुरा भी नहीं है। मतलब स्लीव्स देखो, पफी स्लीव्स देखो, पफी स्लीव्स एग्जैक्ट जैसी पिक्चर में दिखाई गई थी वैसी मिल जाती है। फैब्रिक इसका भी आपको मिलता है सिल्क ब्लेंड बोथ साइड में, वही स्लीव्स, और ये देखो इसका नेक का पैटर्न सही लग रहा है यार, मतलब साइड में ये पूरा स्क्वायर नेक, मेरा फेवरेट वाला स्क्वायर नेक। फ्लेयर कुछ इतना मिल जाता है यार, मैं कहूँगी 800 रुपये के हिसाब से मुझे सही लग रहा है। ऑल दो जो एकदम एग्जैक्ट पिक्चर में था वैसा नहीं है, बट 90% कॉपी कर लिया उसको बिल्कुल इसने, और मुझे ये पीस पसंद आ रहा है। लेंथ वगैरह देखती हूँ बाकी पहनने के बाद कैसा लगता है ये मेरे ऊपर, ट्राई करते हैं। और इसके साथ हमें क्या मिला है, इसके साथ ये वाला दुपट्टा मिला है ऑर्गेन्जा फैब्रिक में, और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है यू कैन सी, और इसका प्रिंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर सा प्रिंट हुआ हुआ है इसमें, और ये वाला पीस भी बहुत सुंदर लग रहा है। अभी चलो पहन के देखते हैं कैसा लगता है। गाइस सी, पहनने के बाद कुछ ऐसा सा इसका लुक लग रहा है, और अगर मैं बात करूँ ना, मुझे इसका फ्लेयर वगैरह सब कुछ सही लग रहा है, मतलब कहीं से भी मुझे छोटा नहीं लग रहा है। इसकी लेंथ और ये शेप पूरा प्रॉपर जो शेप होता है ना, तो मुझे कहीं से छोटा लग रहा है ना ही मुझे कहीं से बड़ा लग रहा है, मुझे एकदम परफेक्ट शेप की ड्रेस लग रही है ये वाली। ऑल्दो उसका रेप्लिका था बट स्टिल मुझे बहुत पसंद आई है, 800 रुपये के हिसाब से मैं कहूँगी अच्छी ड्रेस है ये एक। और इसको मैं दुपट्टे के साथ मैं ऐसे लेके दिखा देती हूँ, और मुझे थोड़ी सी लूज लग रही है, मे बी मैंने इसमें साइज जो भी था स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये देखो इसके दुपट्टे के साथ इसका कुछ ऐसा लुक लग रहा है, मैं आपको बैक से दिखा देती हूँ, ऐसा लग रहा है इसका बैक से लुक। इसका भी मैंने टैसल वगैरह इसकी टाई अप नहीं की है, बट मुझे ये ड्रेस पसंद आ रही है। मैं आप सबको भी बोलूंगी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 800-900 रुपये तो ये वाली ड्रेस जरूर लेना। इसके पफी स्लीव्स मुझे काफ़ी सुंदर लग रही है, बट थोड़ा ठीक है, मुझे एक परफेक्ट अनारकली ड्रेस लग रही है ये वाली, सो मैं इस वाले के साथ बहुत खुश हुई हूँ, कोई कंप्लेन। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई रियली होप कि आप सबको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो बनाने में ही इसको बहुत मज़े आए कि मतलब आप सबको ये चीज़ें पसंद आएंगी, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर पसंद आता तो ढेर सारा प्यार देना, बस बदले में यही चाहिए आप सबसे। और कैसा आप देखना चाहते हो आगे भी वीडियो मेरे चैनल पर, मैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करके और आप सबके लिए ज़रूर लेते आऊँगी, और चीज़ें भी इंप्रूव कर रही हूँ मैं डे बाई डे। चलो अब आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। ऑल्सो सारे लिंक्स मैं ऐड कर दूंगी कमेंट बॉक्स से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी, उसमें जाके आप सारे आउटफिट्स देख सकते हो।